आज मैं इस वीडियो में आपको एक बहुत अच्छी जानकारी दूंगा, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। ये कबूतर देखिए हमारे हाथ में है, ठीक है, बहुत बूढ़ा कबूतर है और इसके अंडों में जान नहीं बनती थी। ये कबूतर बूढ़ा हो चुका है, इसके अंडे नहीं जमते थे, अंडों में बच्चा नहीं बनता था। तो हमने इसका इलाज किया और बहुत सस्ता इलाज है, ठीक है, समझ लीजिए 25 रुपये में एक कबूतर का इलाज है। लेकिन आपको जो मेडिसिन लेनी पड़ेगी वो 250 को मिलेगी, उसमें 10 कबूतरों का इलाज हो जाएगा, तो एक कबूतर को आपको 25 रुपये लग जाएगा, ठीक है, और 100% गारंटेड इलाज है। ये कबूतर की उम्र लगभग हो चुकी है 22 साल और ये 18 साल रहा है मुकेश भैया के पास बक्सर में और 4 साल मेरे पास हो गया। 22 साल हो गई उसकी उम्र और 22 साल में इसका इलाज हमने किया और ये इसके अंडों में बच्चे बन गए। और इस कबूतर के बच्चे निकालना बहुत ज़रूरी था मुझे, इसके बच्चे मेरे गेम में होना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। तो इसके पहले कुछ बीमारी में कुछ इधर उधर में कबूतर उसके बच्चे मिस हो गए, ख़त्म हो गए, ठीक है, लेकिन अभी इसके बच्चे हो जाएंगे क्योंकि तो अब इनका इलाज मैंने कर दिया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण कबूतर है, बहुत ही ज़्यादा ऐसे कबूतर गेम में होना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना कबूतरबाजी अधूरी सी लगती थी, लेकिन अब काम आएगा यह कबूतर। जो उसको मेडिसिन देनी है उस मेडिसिन का नाम है डामियाना क्यो। ये देखिए होम्योपैथिक मेडिसिन है, ठीक है, ये किसी भी होम्योपैथिक स्टोर पर मिल जाएगी। कैमरे में इसका नाम सही से नहीं आ रहा है, ठीक है, नाम मैं बोल दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए, डामियाना क्यो, ठीक है, ये 250 रुपये के आसपास आएगी, ठीक है। और इसको देना कैसे है मैं वही बताता हूँ, कैसे देना है और कितने दिन देना है। इसको 15 दिन देना है आपको, मैं आपको एक कबूतर के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। एक कबूतर के लिए आपको लेना है 10 ml पानी, सिरिंज में इस तरह पानी भरिए, ठीक है, और उसको एक कप या प्याली में इस तरह डालिए, ठीक है, और इसमें फिर मेडिसिन आपको जाननी है। एक कबूतर के लिए 10 ml पानी और 5 बूंद मेडिसिन, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। कबूतर ज़्यादा हैं तो आप डबल कर लीजिए, 2 हैं तो 10 बूंद, 3 हैं तो 15 बूंद, 4 हैं तो 20 बूंद, ठीक है, 20-25 बूंद भी डाल सकते हैं 4 कबूतरों में। जैसे मैं 4 कबूतर को दे रहा था, ठीक है, जिसमें से 2 डैमेज थे, दोनों सही हो गए, बाकी 2 कबूतर को ऐसे दे रहा था, वो थोड़े कमज़ोर थे उसके लिए दे रहा था, बाकी दोनों कबूतर मेरे सही हो गए, उनके बच्चों में अंडे में बच्चा बन गया, ठीक है। और इन बार इसको अच्छे से हिलाइए, सेक करने के बाद इसको सिरिंज भरिए, ठीक है, उसे गले में उतार दीजिए कबूतर के। 15 दिन आपको ये देना लगातार, सुबह शाम भी दे सकते हैं, लेकिन मैं तो एक ही टाइम दे रहा था। सुबह शाम देते हैं तो और अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, लेकिन मैं इसको एक ही टाइम दे रहा था, ठीक है। और 15 दिन देना है आपको, और ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कबूतर को जोड़े से अलग रखना है 15 दिन तक। 15 दिन के बाद आप जोड़े लगाइए, 101% नहीं 200% अंडे में जान पड़ेगी, और मेरा आजमाया हुआ है, आप आज एक बार आजमा कर देखिए इसको, बहुत अच्छा मेडिसिन है। और इसको मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि लोगों के पास बहुत अच्छे अच्छे कबूतर हैं, लेकिन वो उनकी नस्ल नहीं बन पा रही है क्योंकि वो काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं, या कुछ नए कबूतरों में भी अंडों में जान नहीं बनती है, तो इस हिसाब से आप लोगों का बहुत फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है, और बहुत ही ज़रूरी ये मेडिसिन है और बहुत अच्छा काम करती है। अभी मैं वो वीडियो इसमें ऐड करता हूँ जिसमें मैं दिखाऊंगा कि अंडों में कैसे जान पड़ा हुआ है, ठीक है, एक से अंडे दिखाता हूँ अभी। ये देखिए मैं अंडे पे लाइट चला रहा हूँ जिससे अंदर दिखेगा बच्चा बना है कि नहीं, ठीक है, एक जाले की तरह दिख रहा है, ठीक है,
इससे समझ में आता है कि बच्चे अंदर पड़ गए हैं, जान पड़ गई है अंडे में। ठीक है, बच्चे निकलेंगे उसमें से। और ये देखिए दूसरा अंडा है, और इसके बाद फिर दिखाऊंगा पहला अंडा। पहले अंडे में थोड़ी जान ज़्यादा पड़ी हुई है, थोड़ा सा जाला ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि वो एक दिन पहले का है और दूसरा अंडा एक दिन बाद का है, तो थोड़ा डिफरेंस होता है अंडों में। ठीक है, देखिए जान पड़ गई है और बच्चे निकलेंगे, और ये इलाज आप लोग करिए, 100% काम करेगा। ठीक है, और इलाज करके मुझे फ़ोन करके बताइएगा कि काम किया या नहीं किया। ठीक है।